हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मटन को मैंने मिट्टी की कढ़ाई में बनाई है और ये बहुत ही हेल्थी होता है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार मिट्टी की कढ़ाई में, मिट्टी के बर्तनों में इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस मटन की रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6 प्याज ले लिए मीडियम साइज के, और यहाँ पर मैंने कुछ अदरक और कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली है, 3 हरी मिर्च, 5 सूखी मिर्च, और ये तड़के के लिए तेज़पत्ता, जीरा और सूखी मिर्च, और ये है सूखे मसाले। इसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर है, और ये कुछ गरम मसाले हैं, खड़े गरम मसाले। ये देखिए, इसमें है लौंग, दालचीनी, इलायची और शाही जीरा है। तो कुछ प्याज और अदरक लहसुन, मैंने यहाँ पे 5 प्याज में से 2 प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, और अदरक लहसुन, और ये गरम मसाले, और यहाँ पर मैंने मिर्ची, 3 हरी मिर्ची और सूखी मिर्च जो मैंने लिया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको मैं अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैंने आधा केजी मटन ले लिया है, और मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और इस मटन को मैं हल्दी और नमक डाल करके इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने यहाँ पे मिट्टी की कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, और आप चाहो तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, कुकिंग ऑयल। और इस तेल में मैं यहाँ पे तड़का डाल रही हूँ, तो 30 पत्ता, जीरा और 2 सूखी मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और तड़का को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, तड़का मेरा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने जो प्याज, बाकी बचे प्याज जो मैंने कट कर रखे थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और इस प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये देखिए, प्याज मेरा फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, और अब मैं इसमें जो मैंने मैरिनेट किए हुए थे मटन को हल्दी और नमक से, वो मटन मैं इसमें डाल दूँगी, और प्याज के साथ मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। मटन को थोड़ी देर प्याज के साथ फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें, मैंने जो मसाले लिए थे, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, गरम मसाला, वो सारे का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो सारा मैं यहाँ पे डाल दूँगी। मसाले डाल के मैं इस मटन को थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने सूखे मसाले भी ऐड कर दिए हैं सारे, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। ये सारे नॉर्मल मसाले हैं, मैंने कुछ खास इसमें डाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, मटन को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करने के बाद मैं इसको जो ढक दूंगी, ढक ढक कर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ फ्राई करूंगी, ताकि मसाले जो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए।
मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से मैं ढक ढक करके मसालों को अच्छी तरह से मटन के साथ मैं फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मटन को थोड़ी देर चलाने के बाद ये मैंने फिर से इसको ढक दिया था और फिर से ये देखिए मैंने निकाला तो ये मसाले के साथ मटन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो इसमें मैं पानी डालूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने जो मिट्टी के कटोरी थे छोटे छोटे वो उस कटोरी से मैंने यहाँ पे 3 कटोरी पानी ऐड किया है मटन में। और ये पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसको मैं धीमी आंच पे मतलब कि लो फ्लेम पे मैं इसको 1 घंटा के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो है मटन अच्छी तरह से पक जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए पानी डालने के बाद मैं इस मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी और इसको मैं लो फ्लेम पर 1 घंटा के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए 1 घंटे के बाद जब मैंने खोला मटन की इस कढ़ाई को ढक्कन हटाया तो देखिए ये देखिए मटन भी मेरा अच्छी तरह से पक चुका है। और ये देखिए कितना सुंदर कितना यमी लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और ये देखिए ये मटन देखिए मेरा कितना अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। और ये यकीन मानिए ये बहुत ही यम्मी बना है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।